शिवसेना सांसद संजय राउत जेल से बाहर आए तो कहने लगे कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने फडणवीस के अच्छे कामों की तारीफ की और पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने की बात कही, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई कि राउत के तेवर नरम पड़ गए हैं। लेकिन अगले ही दिन राउत ने कमबैक किया और एक बार फिर बीजेपी और जांच एजेंसी को लेकर आरोपों की झड़ी लगा दी। ये बातें सामना संपादकीय सेक्शन के कॉलम में छपी हैं और सामना के संपादक कौन है? संजय राउत। पात्राचाल घोटाले में आरोपी संजय राउत 100 दिन से ज्यादा जेल में रहे, लेकिन उनकी रिहाई के बाद एक बार फिर शिवसेना का रुख बदला दिख रहा है। पार्टी के मुखपत्र सामना में भाजपा पर तीखा हमला बोला गया है। सामना के पहले पन्ने में केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की तीखी आलोचना की गई है। शिवसेना के अखबार ने लिखा है कि देश में कानून का राज नहीं है, न्यायपालिका दबाव में है और केंद्रीय एजेंसियां गुलाम हो गई हैं। संजय राउत मामले में ये बात सामने आई है। सामना में एजेंसियों की आलोचना करते हुए बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। सामना में कहा गया है कि महाराष्ट्र भाजपा के कम से कम 7 मंत्री, 15 विधायक और सांसद और पार्टी को वित्त मुहैया कराने वाले बिल्डरों के नाम कई अपराध हैं। इनके खिलाफ जांच हो तो ये जेल जा सकते हैं, लेकिन अदालत ने खुद ही कहा है कि ईडी आरोपियों का चयन करती है। महाराष्ट्र में शिवसेना को बुलाने और सरकार गिराने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया गया था। जिन लोगों को ईडी पहले गिरफ्तार करने जा रहा था, उन्हें शिवसेना छोड़ते ही क्लीन चिट दे दी गई। जो शिंदे फडणवीस के आगे नहीं झुके, वे ईडी सीबीआई के अपराधी बन गए। देश में कानून का राज नहीं है, न्यायिक प्रणाली दबाव में है और केंद्रीय व्यवस्था गुलाम हो गई है। संजय राउत की तरह एनसीपी नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी राजनीतिक साजिश के तहत जेल जा चुके हैं। महाराष्ट्र में ईडी के कई मामले इस बात के गवाह हैं। अखबार ने लिखा कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके सहयोगी 1 साल से अधिक समय से जेल में हैं। ये सब राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। इस कॉलम में पूछा गया है कि क्या राज्य के गृह मंत्री आपराधिक प्रकृति के पुलिस अधिकारियों को मुंबई थाने में बार मालिकों से 100 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दे सकते हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई ने खुद अधिकारी की गवाही के आधार पर देशमुख के खिलाफ मामला तय किया, जो मुकेश अंबानी के घर के सामने विस्फोटक रखने की साजिश में आरोपी है, जिसमें मामले में सबूत नष्ट करने के लिए अपने दोस्त तक की हत्या कर दी थी। साफ है कि कोर्ट ने जिस तरह से ईडी को फटकार लगाई है, उससे शिवसेना को और ज्यादा ताकत मिल गई है केंद्र को घेरने की। देखना दिलचस्प होगा आगे महाराष्ट्र की सियासत में कौन सा नया भूचाल आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,